आज इतने दिनों बाद हम लोग दोबारा निकले हैं गायों के लिए कि चलो एक कैटल फार्म है यहाँ, जिसका मैंने जिक्र किया था लास्ट अपने इस व्लॉग में, जिसमें हमने गायों का जिक्र किया था कि क्या था आरिफ कैटल फार्म है यहाँ माटा पान की तरफ चेक पोस्ट 3 के पास। तो वहाँ हमें हमेशा ना रीजनेबल दिखते हैं, अब इस दफ़ा जाके देखते हैं। लास्ट टाइम हमने ऐसे ही चलते चलते ज़रा सा देखा था, तो हमें था कि यहाँ ऐसा है कि बात बन सकती है। तो आज हम निकले अल्लाह के उससे इसी इरादे से हैं कि अगर कुछ हो गया और बात बन गई तो फिर उन्हें ना वो यानी क्या कहते हैं उसे टोकन अमाउंट प्यारा टोकन ही हो गया ना वो देकर आ जाएंगे। अच्छा उनकी सहूलत क्या है कि वो रख लेते हैं, वो वहीं रहेगा ईद तक सब कुछ, फिर आप ईद से पहले लेकर एक आध दिन पहले जब भी आपको सहूलत है आप लेकर आ जाए उसे। तो आज हम इसी इरादे से निकले कि हमें कुछ पसंद आ गया, हमारी रेंज में आ गया, तो आज हम उनसे बात करके फाइनल करके आ जाएंगे। क्योंकि मंडी तो इतनी दूर है और वहाँ सुना है कि रेट भी इतने ज़्यादा हैं कि वो तो हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं बनती। तो यहाँ हमें लग रहा है कि कोई बात बनेगी, तो आज देखिए बनती है नहीं बनती है, ले पाते नहीं पाते क्या होता है। ये हम निकल आए चेक पोस्ट 3 से बाहर और अब हम जाएंगे कहाँ, राइट। और अगर चेक पोस्ट 2 से आएंगे तो लेफ्ट आएंगे, चेक पोस्ट 3 से जा रहे हैं इसलिए हम राइट जा रहे हैं। आया माता मान का कब्रिस्तान और इससे आगे है ना वो फार्म, ये गुलफशा था। हमें किस में जाना है, आरएफ में ना, आरएफ कैटल फार्म। यहाँ इस रोड पे काफी फार्म लगे हुए दिख रहे हैं, ये आगे कुछ जानवर खड़े हुए दिख रहे हैं, यही आरएफ कैटल फार्म है। आरएफ कैटल फार्म को बड़ा रश है। ओहो देखा, मैं कह रही थी ना यहाँ के प्राइसेस जो हैं वो रीजनेबल होते हैं, तो ये इसका सबूत है। नहीं नहीं ये तो कोई और मंडी है, ऐसी मंडी लगी है ओपन मंडी है ये तो। आरएफ कैटल फार्म कब आ रहा है, अब आ रहा है क्योंकि ये उन्होंने उनकी आगे सब्जियां हैं और पीछे की तरफ वो जानवर रखते हैं ना, ये रहा। नाम चेंज कर लिया मीड क्रैम्स और अब तो बहुत खूबसूरत हो गया ये, जब हम पहले आते थे तो ये लगी लगना शुरू हुए हुए थे। नर्सरी बनी है, चलो देखते जानवर लोड की हो रहा है। ये पता कर लो पहले कि आरिफ भाई वाला ही है कि नहीं, आरिफ भाई वाला कंफर्म, क्योंकि ये मीड क्रैम्स करके कुछ लिखा हुआ है। तो Few moments later. और हम गलत फार्म में चले गए, वो उनका फार्म नहीं था। अब उन्होंने बताया कि उन्होंने नाम तो चेंज कर लिया है, कर्नल कैटल फार्म कर दिया है, अब हमें वो ढूंढना है। ये तो नहीं है कहीं, ये है ये, और कर्नल देखना है हमने, कोई कर्नल नॉलेज देखना है कहीं पीछे ना छोड़ा है। नहीं वो कह रहे हैं इस तरफ है। अच्छा चेक पोस्ट 2 से इधर आते हैं, चेक पोस्ट 2 से करीब है और 3 से दूर है यानी। अब जंप कुर्बानी कलेक्शन ये पूछा उन्होंने, अब तो एंड हो गया, वो यही है भाई कुर्बानी कलेक्शन वाला, कुर्बानी कलेक्शन का भी नाम ले रहे थे ना। अच्छा ओके कुर्बानी कलेक्शन ही है भाई, तो वहीं चलते हैं। और ये देख लें लोगों का इस तरफ रुझान हो गया है, काफी लाइनें हैं गाड़ी की। बकले कहाँ हैं, बकले कुर्बानी कलेक्शन नाम लिखा हुआ है लेकिन वो कुछ है नहीं, मतलब पूछ के रहना है। एक बार आ रहा है ये कुर्बानी कलेक्शन जी के कैटल फार्म, यही है एक, यही दिख रहा है। अब इधर ही जाके देखते हैं कि क्या है हिसाब किताब। ये आ गए, ये एक तरह से एक छोटी सी मंडी बनी हुई है पूरी ना,
और वहाँ सारे लोग ही लोग हैं, और मगरिब हो गई है तो हमारे मियाँ हस्बे मामूल नमाज के लिए भाग रहे हैं। ये सारी हाँ वो एक भैंसा है, ये भी कोई खुली हुई है भाई, खुले भी से डर लगता है कभी मार मार ना दे। ये रहा चांद बैल उससे वाला, गुस्से वाला चांद बैल है ये। ये एक छोटी सी गाय आ गई, क्यों किसका 31 किसका ये इसके हाँ। दिखाएं जरा, अच्छा लग रहा है 31 में तो सही है भाई। नहीं नहीं अच्छा भाई, और ये ब्राउन वाले के क्या है, ये जो इसके साथ है ये 2.5 लाख 2.5 लाख आरिफ भाई वाले कहाँ हैं? आरिफ भाई वाले, आरिफ भाई छूट देते चलेगा, ये आगे देख ले मेरे ख्याल आगे वाले उनको। अच्छा आगे वाले हैं उनको, चलो इस तरफ भी प्यारी हैं गाय है ना। हाँ छोटी छोटी, छोटी तो नहीं है, खैर ये नॉर्मल है ये सही। ये कितनी प्यारी है वाइट और ब्राउन क्यूट सी। ये ऊंट भी है यहाँ पे जो कि बैठ के अभी खाना खा रहा है। चलो भाई कहाँ गए, जनरेटर चल रहा है अभी, जनरेटर चलेगा, लाइट चलेगी फिर गाय दिखेगी। 20 minutes later बड़ा मुश्किल हो गया इस वक्त भाई, आगे पीछे हर जगह से गाय सैंडविच बन गए बीच में, और एक अंकल को टांग भी लग गई। अंकल को भी रखना रहे। Ingin menyapamu tapi sayangnya